नमस्कार, मैं अश्विक खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज। इस वक्त है हम संगम तट पर, और संगम का वो तट जो अरेल घाट के को कहा जाता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पास सुरक्षा की दृष्टि से भी देखेंगे तो चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इंतजाम जो यहाँ पास है बैठने का, यहाँ पर स्नान करने का और टॉयलेट का, अब कपड़ा बदलने का, सारे चीजों का इंतजाम बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। श्रद्धालु इस जगह पे बहुत कम आते हैं, उसकी वजह यह है कि इनको पता नहीं है, बहुत से लोगों को, कि यहाँ पास बहुत ज्यादा सन्नाटा रहता है। अगर श्रद्धालु इस जगह पे आए तो उनका कोविड का जो डर है वो भी एक तरीके से नहीं रहेगा। हालांकि आस्था के सामने तो कोई भी बीमारी हो या कुछ भी ऐसी चीजें हो तो वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, आस्था आदमी अपने सर्वोपरि रखता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि साइड में वो चीज दिखाएं जो यहाँ की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए भरपूर सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। सुरक्षा कर्मी अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ इस पूरे घाट पर पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। अगर देखेंगे तो जो ये बैरिगेटिंग लगाई गई है, जहां ये घाट जो बनाया गया है उसमें एक रस्सी और बांस करके कर दिया गया है कि उससे आगे नहीं जाए, वो घाट का पानी सिर्फ कमर तक ही है। और अगर घाट के उस पार देखेंगे आप तो उस पार गोताखोर और नाव और हमारे सुरक्षा कर्मी अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पास डटे हुए हैं, दिन रात 24 घंटा। मैं आपको फिर बता दूं कि ये माघ मेला, ये धरती जब से है तब से इस माघ मेले का आरंभ हो चुका है और आज तक उसी आस्था से मनाया जा रहा है। फिर से एक बार बता दूं कि ये वो घाट है, संगम तट का ये वो घाट है जिसको अरेल घाट कहते हैं हम लोग। जो लोग दूर दूर से आते हैं उनको सिर्फ संगम का वही मेन गेट ही मालूम है, लेकिन अगर आप वहां के यहाँ के वासियों से पूछेंगे कि अरेल घाट का एरिया हमको ले आइए, तो आप यहाँ पास आके पूरा अपना स्नान का, अपनी आस्था का पूरा एंजॉय कर सकते हैं। आगे इसी तरीके का अपडेट मैं अपने X24 न्यूज चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कैमरा पर्सन आशुतोष श्रीवास्तव के साथ मैं अश्विक खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज। सत्यमेव जयते।